हेलो फ्रेंड, वेलकम इलेक्ट्रॉनिक में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मेरे पास फिलिप्स का एलईडी टीवी आया है, जिसका मॉडल नंबर 29 PFL 4738 V7EZ है, जो 29 इंच का है। इसका ये देख सकते हैं, यह मदरबोर्ड हो गया, यह स्केलर पीसीबी हो गया, और इसमें देख सकते हैं कि किसी टेक्नीशियन ने अलग से SMPS यूज किया गया है 12 वोल्ट का। इसमें SMPS रिपेयर नहीं हो पाया है, तो वो अलग से SMPS लगा दिया है, और किसी तरह कस्टमर को चला के दे दिया गया है। तभी तो हम मिटाने दे रहे हैं, इसी पे चलाएंगे। और ये देख सकते हैं, ये मदरबोर्ड में कहीं छेड़छाड़ नहीं है। दूसरे सेक्शन में सिर्फ SMPS सेक्शन ख़राब था, तो ये अलग से SMPS डाल दिया गया है। SMPS का देख सकते हैं कितने वोल्ट और कितने एम्पियर का है, यहाँ पर हम दिखा देते हैं। SMPS देख सकते हैं, आउटपुट 12 वोल्ट और 4 एम्पियर का SMPS है इसमें लगा हुआ। और इसमें हम सारे वोल्टेज चेक करने के बाद हमको पता चला। आइए इसको हम चालू कर लेते हैं और देखते हैं, और वोल्टेज भी चेक कर हम बतलाएंगे और पिक्चर भी बतलाएंगे। देख सकते हैं, इसको हम AC से कनेक्ट कर लेते हैं और एक्सटेंड वाई देते हैं। भाई LED लाइट ऑन हो गया, देख सकते हैं। लाइट ऑन होने के बाद यही पिक्चर ऐसे इस तरह है, आप देख सकते हैं। ये ब्लिंक कर रहा है, कभी आ रहा है पिक्चर, कभी ब्लिंक कर रहा है, आ रहा है पिक्चर। इसको हम सही करेंगे। आइए हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। वोल्टेज चेक करने के लिए सबसे पहले तो मीटर ले लेंगे। मीटर को 20 के रेंज में रख लेते हैं। 20 के रेंज में रखने के बाद हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं। ग्राउंड से कनेक्ट करने के बाद देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं BGL भी बन रहा है मेरा। देख सकते हैं, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया होगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर VGL देख सकते हैं। VGL हाँ ठीक है, देख सकते हैं HAVDD है और AVDD है। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं VGH के लिए हम रेंज चेंज करेंगे, 1000 के रेंज में रखते हैं, क्योंकि मेरा मीटर 200 के रेंज में थोड़ा काम नहीं कर रहा है, 200 के रेंज में, इसलिए 1000 के रेंज में रखते हैं। देख सकते हैं VGH कम बेस हो रहा है। चलिए इसको सही कर लेते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। पैनल खोलना पड़ेगा, यहाँ तो सही है, इसको पैनल खोलकर और उसके बाद देखते हैं। तब तक वीडियो को थोड़ा स्किप करते हैं और पैनल खोल लेते हैं। देख सकते हैं ये पैनल में मैंने जम्पर एक वायर लिया, एक जम्पर लेकर देख सकते हैं बाईपास से यहाँ तक ले किया और यहाँ से मैंने निकाल दिया। और इसको हम रिमूव करेंगे, अब रिमूव कर और उधर पैनल के साथ जोड़ेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आया। चलिए फ्रेंड, थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्किप करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आया।